साथियों, स्किल की क्या ताकत होती है, इससे जुड़ा हर किसी का कुछ न कुछ अनुभव होगा। मुझे भी आज जब आपसे बात कर रहा हूं तो एक पुरानी घटना याद आती है, और ये तब की बात है जब मैं युवा अवस्था में ट्राइबल बेल्ट में एक वॉलंटियर के रूप में काम करता था, और कुछ संस्थाओं के साथ मिलकर के मैं उनसे काम कर लेता था। तो एक बार एक संस्था के साथ, उनके लोगों के साथ कहीं बाहर जाना था, तो उनकी जीप में हम सब जाने वाले थे। लेकिन वो जीप सुबह जब निकलना था उसी समय चली नहीं। अब वो जंगलों में भटकते भटकते वो जीप भी ऐसे ही थी। हम सब लोग लगे, काफी कुछ कोशिश की, धक्के मारे, सब किया, लेकिन गाड़ी चली नहीं। आखिरकार 7-8 बज गए, तो फिर किसी एक मैकेनिक को बुला लिया। उसने आकर के कुछ इधर उधर किया और 2 मिनट में तो ठीक कर दिया। फिर उसको पूछा कितने पैसे, तो बोले 20 रुपया। उस जमाने में 20 रुपये की कीमत बहुत होती थी। लेकिन हमारे एक साथी ने कह रहा है, यार 2 मिनट का काम और तुम 20 रुपये मांग रहे। उसका जवाब मुझे आज भी प्रेरणा देता है, मेरे मन पर प्रभाव करता है। उस अनपढ़ मैकेनिक ने कहा, साहब ये 2 मिनट का 20 रुपया नहीं ले रहा हूं, 20 साल से काम करते करते मैंने जो स्किल मेरे में आई है, जो अनुभव जुटाया है, ये 20 रुपया उसका है। मैं समझता हूं यही होती है स्किल की ताकत। स्किल आपके काम का ही नहीं, आपके भी प्रतिभा को, प्रभाव को प्रेरक बना देता है। और साथियों, यहां एक और चीज समझनी बहुत जरूरी है। कुछ लोग नॉलेज और स्किल को लेकर के हमेशा कंफ्यूज में रहते हैं या कंफ्यूजन पैदा करते हैं। ऐसे लोगों को मैं हमेशा एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप बुक्स में पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं कि साइकिल कैसे चलाई जाती है, साइकिल पर कैसे बैठना है, साइकिल कैसी होती है, कौन सा पुर्जा क्या काम करता है, कहाँ हैंडल पकड़ना है, कहाँ ब्रेक लगाना, सब उसमें आपको वीडियो में भी देखेगा। ये सब नॉलेज है। आपको नॉलेज है इसलिए आप साइकिल चला जाएंगे, ऐसा गारंटी नहीं है। लेकिन वास्तव में, एक्चुअल में जब साइकिल चलाना होता है तो स्किल की जरूरत पड़ती है। आपको खुद को धीरे धीरे आ जाता है, और फिर आप अपनी मस्ती में भी साइकिल चलाते हैं, चलते रहते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती है। जैसे जैसे आपने इस कला को सीख लिया, इस टैलेंट में आ गई, स्किल आ गई, आपको कभी दिमाग खपाना भी नहीं पड़ता है। और इस फर्क को समझना शासन से लेकर के समाज के हर स्तर पर बहुत जरूरी होता है। आज भारत में नॉलेज और स्किल दोनों में जो अंतर है, उसे समझते हुए ही काम हो रहा है। आज से 5 साल पहले आज के ही दिन स्किल इंडिया मिशन इसी सोच के साथ शुरू किया गया था। इसका मकसद यही था कि यूथ को नॉलेज के साथ ही स्किल भी मिले, कौशल भी मिले। इसके लिए देश भर में सैकड़ों प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र खोले गए, ITIs की संख्या बढ़ाई गई, उनमें लाखों नई सीट जोड़ी गई। इस दौरान 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्किल डेवलपमेंट किया जा चुका है, और यह अभियान निरंतर जारी है।